एवरीबडी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी हु हैव पुट इट सो मच फॉर एफर्ट फॉर मेकिंग इट हैपन. दादा साहब फाल्के इज़ अ वेरी 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 बिग नेम. इट्स सच रेस्पेक्टिव नॉट इन इंडिया बट इट्स द होल वर्ल्ड. ही हैव क्रिएट समथिंग कि अगर उनके नाम पे आपको लाइफ में एक बार भी अवार्ड मिलता है, इट इज़ नॉट लेस देन अ भारत रत्न. आई विल टेल यू माई फीलिंग. सो मुझे लाइफ मैंने लाइफ टाइम अवार्ड्स ही बटोरे हैं और कुछ किया नहीं है. सो having 72 awards, this one is so special because the journey I have started for textile saving in India, this is the first award and that is also coming on Dada Saab Phalke name. So my night and my day and my life is sorted. Thank you everybody, thank you so much. Any questions? See, I have been working for this Bollywood industry for past 18 years. Done always very very big shows from Siya Kiram to Mahadev to Ramayan to 6 Ramayan, 8 Mahabharat karne ke baad then again there is a point where you feel saturation happen, you know, ki ab isse bada kya ho sakta hai. Working for Bajirao Mastani to Bahubali, aapke paas ek stabu ban jata hai aapka ki what next you are going to do it. And when I find these hand workers, when I find this people जो बहुत ही rural areas में हैं और बहुत बहुत ही छोटे level पे काम कर रहे हैं, जिनको कहीं से कोई भी support नहीं मिल रहा है, तो I find that motto कि अगर हम इनको इनको एक बड़ा platform create करके देते हैं तो might this is the achievement for lifetime and that's how I'm here. वीडियो चालू है, फोटोज ले रहे हो? ओके, अच्छा, मैं पोज करना चालू चालू करे. व्हाट इज द फीलिंग? बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को. फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब कम्युनिटी को फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से नॉमिनेट किया गया है इस साल एंड दादा साहेब फाल्के जी के कैटेगरी में नॉमिनेट होना मेरे ख्याल से इससे बड़ी सम्मान की बात मेरे लिए नहीं है. और हम यंग ऑडियंस को पता होना चाहिए कि दादा साहेब कौन थे, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. सो आई एम वेरी ग्लैड. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. मुझे बेस्ट डिजिटल इन्फ्लुएंसर का अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है. तो डिजिटल फील्ड को फर्स्ट टाइम सुना है कि दादा साहेब जी का यू नो एक इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है. सो आई एम वेरी ग्लैड. सो मेरे सारे फैंस जो भी है यूट्यूब पे, जो भी यंग ऑडियंस है, उनको पता होना चाहिए कि दादा साहब कौन है. सो आई एम वेरी ग्लैड. बहुत बड़ी बड़ी बात है जी. उनके साथ तो मैंने एक वेब सीरीज़ की थी बस. तो है एकता मैम, शी उनको मेरा काम बहुत पसंद है, एकता कपूर जी को. सो दैट्स इट, उस वे में जुड़ा हुआ उनसे. देखिए न्यूज़ तो फेक हर जगह होती है मेरे हिसाब से, डिजिटल में हो बट गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए. जो रियल है मैं पूरी तरह कोशिश करता हूँ कि मैं पब्लिक के सामने भी वैसा ही रहूँ जैसा हूँ. अपने फैंस के अभी भी मेरे को कोई बंदे मिले, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं डर रहा था मिलने से, मैं बोला नहीं बिंदास मिला करो. क्योंकि मैं आई बिलीव हम यूट्यूबर्स वी कम फ्रॉम द पब्लिक, हम बॉर्न सेलिब्रिटीज़ नहीं होते, वी आर नॉट बॉर्न विद सिल्वर स्पून. सो हम आम जनता को रिप्रेजेंट करते. सो यस, तो वही है, हम जो है सामने ही है, कभी ऐसे ऐसे ही रहने वाले हम. नहीं नहीं कोई पंच लाइन नहीं, ये नहीं नहीं ये टीवी पे आने वाला है तो पॉसिबल नहीं है. और दादा साहब फाल्के जी का अवार्ड है यहाँ पे, मैं अपना कुछ वरी नहीं. आई गेट अ लिटिल कॉन्शियस अगर मेरे को कोई मीडिया के सामने बोलता है सब करने का.
नहीं 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 यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, मैं लिटिल कॉन्शियस, नेक्स्ट टाइम मैं प्रिपरेशन के साथ आऊँगा पक्का। ओके थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके बोल दिया यार, आधा तो बोल ही दिया, एनर्जी इधर ही दे दिया यार। वन मोर रेडी बोलना। हाय गाइस, वी आर जीबीजी गाना फाड़ू गैंग एंड आप लोगों ने बीट बॉक्सिंग तो सुनी होगी, तो वी आर द फर्स्ट बैंड इन इंडिया हु इज डूइंग म्यूजिकल बीट बॉक्सिंग। एंड ये बहुत ही अलग बैंड है क्योंकि यहाँ पे जीबीजी सारू के नाम है और हमने उसी नाम से हमारे बैंड का नाम रखा है गाना फाड़ू गैंग। द नेम इज गाना फाड़ू गैंग, गौरव पॉलमी, गौरव प्रदीप, जीपीजी गाना फाड़ू गैंग। एंड नाउ वी हैव अ लिटिल बिट झलक फॉर यू गाइस, लेट्स गो। निकाली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गा तुरुरु तुरुरु, ये तीखी तीखी नजरें तुरुरु तुरुरु, ये हिरनी जैसी चाल देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, मान खुला। एंड वी हैव अ रैपर आल्सो, काली काली आंखें कर दी सवाल है तेरे पीछे पीछे मेरा हुआ बुरा हाल है, होंठ लाल तेरे और गोरे गोरे गाल है, तेरे लिए भाइयों के बीच में बवाल है, बीच में बवाल है तेरे लिए भाइयों के बीच में बवाल है, बवाल है तेरे लिए भाइयों के बीच में बवाल है। सो दिस इज द ब्रेक, थैंक यू गाइस एंड वी विल बी बैक सून, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस। Hi everyone, so this is me Poonam Chopra and thank you, I'm like here over here for event, basically I'm actress, see you all. I'm very very happy to be present at the Dada Saheb Phalke Film Festival and it's very good that they're promoting, you know, new talent at the same time, the talent is already there in the industry. I'm busy with a couple of plays right now. Mera ek play hai Importance of Being Earnest, Royal Opera House mein hai and it's going full house. I'm going to be directing two other plays and I've got other stuff in the pipeline as well. It's very important. Thank you so much. Bahut acha lag raha hai. It's very interesting, very happy. Mujhe bahut acha lag raha hai ki, you know, the awards are promoting talent as I said and it's very important ki new talent gets promoted as well as the old talent. So thank you very much. Right. Oh my God. May I? Hi, it's really exciting to be here and thank you so much for having me here. I am Rohini from Radio Nasha and I thought I saw Harshita somewhere, but thank you so much and I think it's going to be very, very exciting. I'll see you guys inside. Thanks.
Hello. Hi, my name is Nana Mukhi. Basically, I'm from Mumbai only. Okay, currently I'm doing one theater actually. That play name is A Final Decision. It's a commercial play. And currently I'm doing Bollywood film as well. That's name is Anamika. So it's on floor actually. Thank you. Bye-bye. So guys, this is going to be my first, you know, like award which I'm attending here. Basically, I'm from Sydney. My name is Manish Kumar Giri. I am an entrepreneur, and apart from entrepreneuring, I just started doing into like, you know, producing a couple of projects, and I have been assigned to work for XL Entertainment, where I'm doing a role for, you know, like a bookie inside that particular web series. And this is my second month in Mumbai, and I'm doing like this is the first thing I think I'm just attending with this, and I'm actually very happy to attend this Dada Saab, like this award particularly. Thank you so much, guys. Thanks. What's up, guys? How's it going? Yeah. Yeah, actually, मेरे दो तीन गाने निकल रहे हैं अभी. मेरा एक शूट हुआ है बैंग में, फाइनली शूट हो गया है. मई 15 को अभी निकल रहा ही है, और मेरे दो और प्रोजेक्ट आ रहे हैं. मिस्टर बाज हुज गिवन हिट्स लाइक तीन पैग, उसने मेरा बैंग बैंग गाना बनाया है. एंड वी हैव प्रिया एंड हु सिंगिंग इन इट. तो बस वो गाना आ रहा ही है, शूट हो गया है. सो वी जस्ट गोना गेट रेडी फॉर इट. व्हाट्स अप? Yeah, man, it's super cool, man. Yeah. All right. मैं पहन रहा हूँ पूजिता सराफ. शी स्टाइल मी एंड यू कैन लुक एट इट अगेन. कम हियर मैन, लुक एट दिस. या मेरी जो डिज़ाइनर है पूजिता सराफ, शी इज़ वेरी वंडरफुल एंड वेरी कूल है. शी लाइक्स टू एक्सपेरिमेंट. और मैं हूँ एक रैपर रॉक स्टार, सो आई चेंज. I have fun clothes, it's fun. Alrighty, all good, my friends. Alright, so the bang bang karegi, to yehi, aapko pata bhi gaana yehi aa raha hai. Hey, I got the guns! Bang! Nahi, tum log bahut boring, hamesha bahut boring ho jate tum log, yaar, kya ho jate? Yo, I got the guns! Yes, I'm a thug! Make it, Jill! Falcon Awards, bang bang! Alright, guys, enjoy yourself. See you, man. Peace out.
हाँ बहुत कम हो गया, 11 के बीच या कोई कुछ पूछेगा तो मैं बाइक दे दूंगा। यार हर अवार्ड से आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ बहुत ही टैलेंटेड एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग लोग आएंगे और आप उन लोगों से मिल पाओगे एंड सम ऑफ अस आर गोइंग टू बी गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर द हार्ड वर्क दैट वी हैव डन, सम विल बी अप्रिशिएटेड एंड अदर्स विल बी क्लैपिंग सेइंग दैट दैट्स सच अ गुड ईयर दैट हैज़ वेंट बाय। सो आई थिंक वही हर एक अवार्ड फंक्शन की होती है, बट व्हेन इट इज़ नेम्ड आफ्टर दादा साहब फाल्के इट ऑलवेज इज़ अ बिग डील बिकॉज वी ऑल लर्नड सो मच, we've grown up so much hearing about him, so it's always nice to be appreciated for everyone who's being awarded tonight. हाँ जी हाँ जी, मुझे आज मिल रहा है ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस के लिए, बट यू नो दैट्स सो स्ट्रेंज कि टी वी पर जब तक मैं नहीं आया था, मैं पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूँ, यू नो इट इज़ सो स्ट्रेंज कि आपके 12 सालों की मेहनत तब आपको दिखती है जब आप टी वी पर आते हो। जैसे आप लोग कितने टाइम से मेहनत कर रहे हो, कितना काम करते हो, वो अप्रिशिएट नहीं होता, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। आई हैव रियलाइज दैट आई हैव बीन द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू हेड MTV, फॉर मी दैट हैज़ बीन वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट्स, बट द बिगेस्ट अचीवमेंट राइट नाउ फॉर एवरीवन इज दैट आई वाज अ बिग बॉस एंड हैव डन वेल देयर। सो आई थिंक ये सारी मेहनत आपके साथ में आती है एंड देन यू गेट अवार्डेड और रिवॉर्डेड इन डिफरेंट वेज। सो आई जस्ट रियली फील दैट सक्सेस जो होती है ना, विच इज़ व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। सो आई थिंक वो प्रिपरेशन थी, ये अपॉर्चुनिटी है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट मी एंड द अदर्स हु आर बीइंग अवार्डेड टुडे। हाँ जी, मेरा जो पहला शो है एज अ प्रोडक्शन हाउस में विच इज़ पंचबीट, विच इज़ गोइंग टू बी स्टार्टिंग शॉर्ट नाउ। एवरीवन इज़ राइट नाउ बॉक्सिंग हो रही है, किसी की एक्टिंग वर्कशॉप्स चल रही हैं, एंड माई ओन शो दैट आई एम गोइंग टू बी वर्किंग ऑन इट्स गोइंग टू बी अनाउंस्ड आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 weeks। सो प्रोमोज हिट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन से चैनल में आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम नॉट श्योर कि अगर वो कपल्स आ रहे हैं, मुझे इतना मालूम है जोड़ीज आ रही हैं। जोड़ीज माँ बेटे की भी होती है, भाई बहन की भी होती है, सो इट बी एक्साइटिंग टू सी जोड़ीज बिकॉज हमेशा फन होता है। जैसे जब भी कोई दो लोग एक दूसरे को जानते हैं और जब जाते हैं शो के अंदर तो कितना हंगामा हो जाता है। जैसे मैं और प्रियांक एक दूसरे को जानते थे, हमें लगा था हम बड़ा मिल के खेलेंगे, सबसे अगेंस्ट हम ही लोग खेलें एक दूसरे के, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग कि जो भी जोड़ी आएगी तो वो रिश्ते निभाएगी या गेम खेलेगी, बहुत बहुत एक्साइटिंग होता है। सो इट विल बी वेरी वेरी फन। देखिए मैंने फॉलो नहीं कर पाया हूँ मैं, पर मैं जितना सुन रहा हूँ उतना बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है। मतलब मैं अभी किसी का रिव्यू पढ़ रहा था और इसीलिए मुझे जाकर देखना है हाउ एक्साइटिंग इट इज़, क्योंकि मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं है और मैं इतनी अच्छे समझ नहीं पाता हूँ, तो इस वजह से मैं देख नहीं पाया हूँ उस शो को प्रॉपरली। पर उसमें कुछ बहुत ही एक्साइटिंग लोग हैं जिनमें से एक को मैं जानता हूँ पवित्र दृष्टा से, सो आई वॉन्ट टू सी हाउ एक्साइटिंग इज गोइंग टू बी, तो मैं 100% कैच करने वाला हूँ। थैंक यू। I haven't seen the show, but I like Shilpa Shinde very much, so I am very glad that she's doing so well. I see her snippets all the time and I am very very happy that she's doing such good work. So ab kisi ko problem nahi rahegi ki kaam nahi hai, bahut kaam kar rahi hai, sabse zyada kaam wahi kar rahi hai is waqt, hai na? So, see you guys. हो गया।
ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है और मैं बहुत ही आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू रिसीव दिस अवार्ड और मैं टेलीविज़न की बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है जहाँ पर मैं अपना टैलेंट दिखा सकूँ और आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू टेलीविज़न फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटीज़ and getting this award just means that I am heading where I should be so thank you ye hamare founding father hai to ye award jo hai aur ye jo inki jo agar inke naam ka hame koi award mil raha hai to wo bahut hi prestigious hai aur main apne aap ko bahut hi लकी मानती हूँ कि मुझे इस अवार्ड को दिया लाइक मुझे इस अवार्ड को दिया जा रहा है सर साड़ी नो इट्स अ साड़ी दैट्स ऑल आई हैव टू से टू इट थैंक यू सॉरी आई एम जस्ट वेरी वेरी अगेन आई विल से आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड and I'm very very grateful to people who give me the opportunities to do what I love to do and also for all the people who love my work who support my work who have been consistent with me throughout my journey and as I grow they grow and I hope that this journey of growth never ends for me I just think that it's the most disgusting thing for humans to even have to protest about. I mean, this is something that is monstrous, is disgusting, and I really think the people should be killed. Thank you. Thank you. Hello, everyone. बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अटेंड करने के लिए जैसे कि थीम का नाम है अप्रिसिएशन टू द क्रिएशन तो जिन लोगों ने कुछ अचीव किया है जो जो कुछ जिन्होंने एक्टिंग की है जो भी डायरेक्शन हर चीज़ हर लोगों ने जो मेहनत की है उनको उसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा अवार्ड मिलेगा तो मैं भी वही विश करता हूँ जैसे मैं नॉमिनेटेड हूँ तो आई ऑल्सो विश दैट आई ऑल्सो गेट एन अवार्ड काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेज भी होने वाली है लोगों की तो बहुत एक्साइटेड हूँ डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस तो होते हैं तभी हम आए हैं यहाँ पर तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और डेफिनेटली होपफुली आई गेट एन अवार्ड ऑल्सो जी हाँ अभी मैं आज मैं पूरा बेज में हूँ और ये आउटफिट मैंने खुद ही डिज़ाइन की है तो हाँ डिफरेंट लुक है एंड आई एम लविंग आप बताइए कैसा लग रहा है आपको थैंक यू सो मच It's really been an honor. I am getting an award for best model. My name is Siti Ahuja and I am being awarded for best model. So Dada Sai Phalke, I'm very thankful to Anil sir and Abhishek for honoring me from this award and also Chacha ji. So I am all the way here to be the part of it. Thank you to everybody.
Hi guys, how is everybody doing? Ajo mere bhaiyo. We go by the name of MJ5 and we are performing first time for Baba Sahib. And we're really excited for this and we're looking forward. And we might just get awarded tonight and it will be our privilege, our honor. We are very excited for this. Thank you so much. That's it. Thank you so much. Thank you. मेरी तो हार्ट बीट अभी तेज़ चल रही है क्योंकि दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स है, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट अवार्ड है और हम सभी आर्टिस्ट के लिए एक बहुत अहमियत रखता है. शुड आई रिपीट? यस. It's Dada Saheb Phalke Award, which is very, very important in every artist's life. Or बहुत ज़्यादा अहमियत है इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अवार्ड, बहुत अहमियत है इसकी हम सब आर्टिस्ट के लाइफ में. और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे होके. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम इन्वाइटेड एंड आई हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर समथिंग. इट गिव्स मी इमेंस प्राइड टू बी हियर दिस इवनिंग एंड टू बी अमंगस्ट द पीपल हु आर गोइंग टू बी देयर amongst the Dada Saheb Phalke nominated people for the awards. So extremely, extremely excited, very much. Thank you so much. मैंने जो अटायर पहना है ये बहुत एलिगेंट, बहुत ज़्यादा ग्लिटर ब्लिंग वाला एक अटायर है. गाउन है, ब्यूटिफुल इवनिंग गाउन मेड बाई अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड. शी इज़ अ ब्यूटिफुल एंड अ वेरी टैलेंटेड designer. She's called Nalanda Bhandari and this is just like me. This gown just depicts me and my personality because it's got so much bling, so much glitter, so much of elegance, and I think it's just the perfect wear for this beautiful and a special evening. Jab dhamaka hoga to awaaz aayegi. Ji, thank you so much. Thank you so much guys, enjoy your evening. Hi, how are you? मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, यू नो, एक्सपेक्ट नहीं करता, सॉरी फंबल, मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, बट मुझे लगता है कि भगवान जो भी करता है हमेशा अच्छा करता है. मेरे साथ तो अभी तक अच्छा ही किया है, चाहे वो लाइफ को लेकर हो, चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे वो किसी चीज़ में भी हो. सो अभी जा रहे हैं, अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा ही हो. और बाकी अभी उन्होंने इन्वाइट किया है एज अ कपल फर्स्ट टाइम, लाइक वही हमारे लिए बहुत बड़ी. Yeah, it's a, I mean, I've been hearing about this award since very long, काफ़ी समय से मैंने, and अच्छा लगता है जब आपको इतनी respectful जगह बुलाया जाता है, invite किया जाता है, and we are happy to be here. We're gonna enjoy the awards and let's see what happens. सोशल मीडिया पर आप लोगों की जोड़ी को काफ़ी appreciate, पसंद किया जा रहा है, आप लोग भी पढ़ते होंगे, देख रहे होंगे, क्या देख होता है आप लोग इस तरह से, जब इस तरह का कमेंट होता है आप लोगों का? बिल्कुल, जब लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं तो खुशी मिलती है, क्योंकि जो हमारी उम्मीदें हैं लोगों के साथ वो हमेशा उस पर खड़े उतरते हैं और हम उन पर खड़े उतरते हैं, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं हमें एक साथ देखना. तो हमें जब जब मौका मिलता है हम एक साथ काम करते हैं, जब मौका मिलता है हम एक साथ
डिनर पे जाते रहो, हम पिक्चर हमेशा डालते हैं कि हम जाते हैं, हम सारी मेमोरीज उनके साथ शेयर करें ताकि वो और हमारे साथ कनेक्ट रहें. सो दैट्स द रीजन. इट्स सो ब्यूटीफुल जब विद टाइम व्हेन वी आर नॉट पुटिंग पिक्चर्स, वो हमें रिमाइंड कराते हैं हमारी पुरानी फोटो अपलोड करके, यू नो दिस वॉज द मेमोरी. सो आई थिंक वी आर लकी टू हैव सच लव. हमें अनकंडीशनल जो प्यार मिला है हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल. हम शुक्रगुजार हैं अपने सब फैंस फैमिली का जो हमें इतना प्यार देते हैं. आई थिंक वी आर लकी टू हैव देम. वी आर लकी टू हैव देम. ड्रेस को इनकी ड्रेस को मैंने बहुत टाइम लगाया डिसाइड करने में. यस, कुछ टाइम से मैं इनको बोल देता हूँ कि शायद आपको ज़रा अच्छी लगेगी, वरना ये खुद ही इतने अच्छे कपड़े पहनती है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती. बट कभी कभी होता है कि मुझे लगता है कि आपने भी भाई ये पहना हुआ था, आप ये पहन के देखो अच्छा लगेगा. सो आज की मेरी थी, और ये भी हमेशा हेल्प करती हैं हमेशा कि नहीं आपको ये पहनना चाहिए, ये पहनना चाहिए. पर कई बार क्या होता है, मैं एंड मोमेंट चेंज हो जाता है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि यार नहीं यार मेरे खुद के कपड़े मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. यू नो जो मैं बोल के कुछ और आती हूँ कि आपको ये डालना है, सडनली लाइक ओके नाउ माय टर्न. मैंने बोला ना प्रिंस विल ऑलवेज सरप्राइज. तीन चार आउटफिट हैं वो प्रिंस विल डिसाइड सडनली. यू नो आई थिंक मुझे वो पसंद नहीं आया. आई सेड आपको पसंद कुछ और किया था, आप पहन क्या रहे हो. ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल. ही फील्स ही कम्फर्टेबल होना चाहिए लाइफ में. आई थिंक मुझे लाइक ज़रा वन थिंकिंग के ज़रा अच्छा लगता है कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ. मुझे लगे कि इवन राइट नाउ इज लाइक शुड आई वेयर दिस और नो, मैं शर्ट में चलता हूँ, सिंपल चलता हूँ. वेट अभी बहुत टाइम है भाई, अभी काम कर रहे हैं, अभी शादी की न्यूज़ देंगे, अभी शादी करेंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम तो दो यार. ज़्यादा स्पीड से नहीं भाग रहे हमारे लिए, थोड़ा स्लो. Hello everybody. Hello. I hope to जी अवार्ड्स को लेकर देखिए आजकल इतने सारे बट दैनिक भास्कर जो है ये एक बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है. तो जब न्यूज़पेपर वाले अवार्ड्स देते हैं तो आई थिंक पब्लिक के चॉइसेस को मद्देनज़र रख के देते हैं, बिकॉज उनको डायरेक्ट फीडबैक ऑडियंस से मिलता है. सो दैट इज़ वाई दीज अवार्ड्स आर वेरी स्पेशल विच आर कनेक्टेड टू न्यूज़पेपर्स एंड टैबलॉइड्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी. एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली अवार्ड विच आई हैव नेवर रिसीव्ड. सो आई एम अ लिटिल आई थिंक आई हैव टू डू वन मोर जॉब वेरी क्विकली एंड ट्राई टू विन दिस अवार्ड इज़ वेल. जी he's the first man of the cinematic journey of our country, so I think all respect to sir. And humne ek episode bhi kiya tha jisme humne dada sahab phalke sir ko pura tribute diya tha unki journey ko. So bow down and all the respect, massive respect to sir. I don't know why but my hairstylist just wanted to sprinkle some silver dust on my head, so she said let me be your fairy like angel godmother for today and let me just like put some silver dust on your head. And the outfit is designed by Babita Malkani, so I would like to thank her for that.
अभी मैंने दो एपिसोड शूट किए हैं एंटरटेनमेंट की रात के, वो अभी ऑन एयर आएंगे. उसके बाद में ओके, लेट मी कीप क्वाइट, लेट द ऑफिशियल अनाउंसमेंट हैपन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कैमरा के पीछे होने की वजह से आई थिंक ऑल एक्टर्स विच आर हियर हैव वर्कड विद मी, सो बहुत अच्छा लग रहा है इतने सालों बाद सबको मिलने, स्पेशली करण, युविका, इन लोग सब मेरे साथ काम कर चुके हैं इतने साल. और आज मेरे को जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना नोन अवार्ड इन लोग को मिल रहा है, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. आई थिंक देर इज़ नोबडी ऑन दिस प्लानट हु डजंट नो अबाउट द दादा साहब फाल्के अवार्ड, एंड इट इज़ अ ग्रेट ऑनर टू सी टेलीविजन सेलिब्रिटीज नाउ बींग अ पार्ट ऑफ इट. Good. How are you? Well, I'm just actually firstly want to say that I'm very honored to be here to receive an award from Dada Saheb Phalke International Film Festival at this actually for this for being the Style Influencer of the Year is a great honor, and style is something that is very important to me and very close to me in my personal life and professional life. And to be awarded for something like this from an institution like this is I'm very honored. Award hai Style Influencer of the Year. That means I influence people with my style, but you know, I try my best, and it's just I'm really honored to be here, man. Yeah. Sridev should be releasing on the 25th of May. It's been in the pipeline for a very long time. It's been stuck for some time. But like we say that everything happens in divine right timing, this shall also be. Okay, sir, what do you want to say about Asif? Okay, I'm talking about Asif. What do you want to say about Asif? Pardon me? What do you want to say about Asif? मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ तो हम लोग ये समझ लें कि हम लोग आंखें बंद करके हम लोग बैठ चुके हैं. And we are just completely devoid of our emotions, and we are accepting the shame, or we stand up and fight for what is right. And people who have done the crime should be put behind bars. If nothing else, at least that. जी हाँ नहीं नहीं पीछे के जो बाल हैं वो भी मेरे हैं, तो मैंने सोचा कि since it's growing, it's just for fun. Yeah. Fitness, love और marriage के बारे में मैं कोई tips देना नहीं चाहूँगा. मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करें उसे पूरे दिल से करें, and don't forget that everything requires that much effort and that much patience and that much love. Sridev should be releasing soon on the 25th of May. काफ़ी टाइम तक इट वॉज स्टक, एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम फॉर इट टू कम आउट. थैंक यू. 27th ऑफ दिस मंथ शुड बी द लॉन्च ऑफ द ट्रेलर, सो होपिंग दैट एवरीवन लाइक्स दैट. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.
Come join me. No problem. Yeah. पहली बात आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत गलत है, मुझे नॉमिनेट नहीं किया गया है. आई एम हियर फॉर माई फ्रेंड, माई वेरी गुड फ्रेंड विकास गुप्ता, इज गेटिंग एन अवार्ड एंड आई एम सो एक्साइटेड, वेरी हैप्पी फॉर हिम. वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. आई मीन इट्स अ ऑनर, इट्स एन ऑनर टू बी हियर, इट्स ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड सेरेमनी एंड it's a very big honor to get that award. I think main wahi kehna chahunga jo puri duniya keh rahi hai, justice for Asifa. I think whoever are the culprits should be dealt with, given severe punishment, and government should act on it. So much, thank you. Let's go.